हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट एंड हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है कि आपका 2020 का साल बहुत अच्छा गुजरा होगा और आगे का साल भी आपका अच्छा गुजरे 2021। और आपने अपनी पिछले साल की मंथली रीडिंग्स देखी होंगी। अगर आपको वो रेजोनेट्स करती हुई नज़र आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंच सके। ओके, और ये आपकी ईयरली रीडिंग तो नहीं है कि ये मंथली ही है, जनवरी 2021 की सॉरी। और ये आपकी लव लव लाइफ से रिगार्डिंग होगी। कार मैंने शफल किए थे लेकिन बस थोड़े से मैं और शफल करती हूँ। ओके, सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से मैं करूँगी गिल्डिंग। आपके अंडरनीथ में है किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आपके मिडल ऑफ द मंथ के लिए जनवरी में नाइन ऑफ वॉन्ड्स इसको क्रॉस कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स। आपके बेस ऑफ द रीडिंग है सिक्स ऑफ कप्स। आपके क्राउन में टावर कार्ड है। नियर फ्यूचर रीसेंट पास्ट आपकी नाइट ऑफ कप, नियर फ्यूचर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके सेल्फ में नाइन ऑफ पेंटिकल्स और आपकी सराउंड्स में सेवन ऑफ कप्स है। आपके होप्स ऑफ फ्यूचर स्ट्रेम ऑफ फुल कार्ड है और द एम्प्रेस कैप्रिकॉन आपका आउटकम है। इस तरह का आउटकम किसी और का भी आया था मे बी सिक्स ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस के साथ, मुझे ठीक से याद नहीं है बट ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी, एक कार्ड थी। खैर, आपकी जो अंडरनीथ में कार्ड है वो है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल सॉरी, और यहाँ पे है कि एस ऑफ सोर्ड्स। सो आप कोई न्यू क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है कैप्रिकॉन्स, कोई न्यू कम्युनिकेशन है, कोई नई बिगनिंग हो रही है आपकी आइडियाज़ में, कम्युनिकेशन में आपकी। हो सकता है अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के चांस हैं, या फिर हो रही है आपकी कम्युनिकेशन से, या फिर आपकी कम्युनिकेशन में कुछ नया होगा, यानी कि पहले जैसी कम्युनिकेशन से नहीं होगी, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए टॉपिक्स होंगे, जैसे कि एक स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है आप लोग अपनी लव लाइफ के हवाले से कोई स्टेबिलिटी के हवाले से कोई बात करें, या फिर आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है आप बहुत ज़्यादा अपने, ये मुझे लग रहा है जैसे बिजनेस पर्सन है जिसको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने बिजनेस डेवलप करने की, लेकिन ये लव लाइफ की सिचुएशन है तो ये इस तरह से है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नर्चर्ड होंगे टूवर्ड अपने पार्टनर की तरफ, बिल्कुल अपने एलिमेंट में ग्राउंडेड एंड नर्चर्ड और जेनरस, इस तरह से आप अपने पर्सन की तरफ होंगे। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जेनरस हो रहे हैं टूवर्ड्स, और वो प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं अपने लव को। हो सकता है वो बातचीत करके भी प्रैक्टिकली भी अपना लव आपसे एक्सप्रेस कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो सिक्स ऑफ कप्स है। कुछ नॉस्टैल्जिक थॉट्स आपके जहन में आएंगी जब आप मतलब जनवरी में एंटर हो रहे होंगे, तो हो सकते कुछ नॉस्टैल्जिक थॉट्स आपके जहन में आए, या फिर कुछ पास्ट की बातें, जैसे आप कुछ कम्युनिकेशन क्लैरिटी हो रही है आपकी, न्यू बैगनिंग हो रही है कम्युनिकेशन में, तो कुछ पास की बातें भी हो सकती हैं जो आप लोग
एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, याद ताज़ा कर रहे हो, पुरानी यादें ताज़ा करना, इस तरह की, जैसे एक न्यू बिगनिंग आपकी कम्युनिकेशन में भी आएगी। तो ऐसी कोई सिचुएशंस होती है कि हो सकता है बच्चों के हवाले से कोई बात कर रहे हो, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप बच्चों के हवाले से कोई बात कर रहे हो, या फिर आप किसी पास पर्सन के साथ आपकी दोबारा से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। वो आपकी सर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वेरिगो, कैप्रिकॉन, या फिर वो कोई और साइन भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो भी आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो, वो इस वक्त एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी बनकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपकी रीसेंट पास में जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो आप स्लोली स्टेबिलिटी आपको ऐसा लगता है एंटर होती, जैसे आप नए साल में एंटर हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी भी आपके लव लाइफ में आपके साथ साथ एंटर हो रही है आपकी लव लाइफ में। या भी एक प्रैक्टिकल ऑफ़र हो सकती है, आपके पर्सन आपको एक प्रैक्टिकली ऑफ़र कर रहे हो सकता है, आप और आपके पर्सन जो है वो प्रैक्टिकली, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रैक्टिकली एक दूसरे से बात करना, अपने लव को एक्सप्रेस करना, ये एक सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र भी हो सकती है अगर आप ये पास पर्सन की तरफ से दोबारा से रिकन्सिलिएशन की वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड चांस वाली, ये मिड ऑफ द मंथ की रीडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे सेकंड चांस वाला एनर्जी है, आप दोबारा से गैदर करें, ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, कि आप दोबारा से गैदर करें अपनी एनर्जीज को इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। एक सेकंड चांस यानी रिजरेक्ट होना, लव का रिजरेक्ट, अगर आप उसी पर्सन के साथ हैं जो आप के मतलब आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, या इन लव रिलेशनशिप में आप हैं और आपकी लव लाइफ में थोड़ा स्टेगनेंट थी, तो दोबारा से आप अपनी एनर्जीज गैदर करेंगे, एक सेकंड चांस लेंगे अपनी और पुरानी यादों को ताज़ा करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप एफर्ट्स करना करने के लिए विलिंग होंगे। और यहाँ पर जो इसको क्रॉस कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, क्रॉस करिए, एक चैलेंज की सिचुएशन होती है, कि आपका चैलेंज है कि एक्शन तो आप ले रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से शायद फुली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा ये रिलेशनशिप। या फिर लव को एक्सप्रेस करने में कुछ मुश्किल पेश आएगी, या फिर सेकंड चांस है और जो भी पास पर्सन की तरफ से जो ये लव ऑफर है, सेकंड चांस और ये लव ऑफर आपको ये सोचने में मजबूर करेगी कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, मतलब पास पर्सन की तरफ से ये सेकंड चांस आपको लेना चाहिए या नहीं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है इन मंथ ऑफ जनवरी के। हो सकता है ये मिड मंथ की एनर्जीज हो, लेकिन ये एक चैलेंज के तौर पे आपके साथ होगा थ्रू आउट द मंथ, और आपके जहन में है, आपके जहन में वही बातें, अगर ये पास पर्सन है इससे अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो किसी भी हवाले से ये घर का मैटर भी हो सकते हैं, इनहेरिटेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके हवाले से भी कोई बात हो सकती है, लेकिन इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात होगी तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको शॉक में डालेगी, जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट होती हुई है चीज़, तो एक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो है वो अटैच्ड होती हैं, जैसे कि ये पास मेमोरीज़ हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़, जैसे कि बहुत ही पुराना घर हो आपके फादर का या आपकी मदर का कोई पुराना घर हो, और फिर जब इनहेरिटेंस की बात आती है, इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो वो जो जिस जो पुराना घर होता है जिसकी साथ आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई होती हैं, उसकी उसको सेल करने की हवाले से जो भी बात होती है वो आपको अच्छी नहीं लगती, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, कि डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात है, इनहेरिटेंस की भी बात है, लेकिन आपको वो करना है।
सो ये आपके माइंड में है, ये भी सिबलिंग्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाह करना अब आपको लाजमी है हो गया है या इस तरह से, तो ये कोई चीज़ होती है जो आपके माइंड में है, या फिर हो सकती है आपके पार्टनर की पास्ट पर्सन के साथ जो आपकी स्प्लिट जिस बात पे हुआ था, मतलब आपका ब्रेकअप जिस बात पे होता, वो बातें आपके दिमाग में फिर से आ रही हैं। सो आपकी जो सेल्फ है उसमें आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट महसूस कर रहे हैं। आप अगर स्प्लिट हो चुके थे अपने पर्सन से, तो आप सेल्फ सफिशिएंट होकर और सिंगल होकर बहुत ज़्यादा अबंडेंट महसूस करते थे, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, वो अब सिंगल नहीं रहना चाहते, अब वो आपके साथ हो सकता है वो दोबारा से कम बैक करना चाहते हो, और वो कंफ्यूज हैं इस वाले से, वो आपको दोबारा से लव ऑफर कर रहे हैं अपना, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अबंडेंट, अगर आप अब कमिटेड रिलेशनशिप में हैं भी तो, और आप अपने पार्टनर से दूर हैं किसी भी वजह से, हो सकता है पास किसी जॉब वगैरह की वजह से आप, हो सकता है अलग हों, किसी दूसरे सिटी में रहते हो, तो ये आप अबंडेंट हैं, मनी आप मनी प्रॉब्लम आपको नहीं है, अब आप बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, और लेकिन आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, पास मेमोरीज को दोबारा से सोचना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं आपसे, और हो सकता है आपकी भी ख्वाहिश हो कि एक नया नया चांस लें आप इस पर्सन के साथ, या फिर ये उस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती है कि आप एक रिस्क दोबारा से लें, लेकिन मैं यही देख रही हूँ कि आप जेनरस होते जा रहे हैं अपने पर्सन के लिए, और जो भी पर्सन है, हो सकता है आप अगर मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके बच्चों के हवाले से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे के साथ दोबारा से रिकनसाइल कर लें, या फिर अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, अट्रैक्टिव हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी, और एक एम्प्रेस के तौर पे आप, हो सकता है अपने पार्टनर को एम्प्रेस के तौर पे महसूस करें, या फिर आपके पार्टनर जो है वो नर्चर्ड हो टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा जेनरस नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर आपके साथ, बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकता है, एक अगर आप मैरिड कपल हैं तो प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन एक बैलेंस सिचुएशन होगी, आप भी उन अपने पार्टनर को देने में विलिंग होंगे, अपना अपना अपनी तरफ से जो शेयर आपका है वो आप अपने पार्टनर को देने के लिए विलिंग होंगी, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप। सो मुझे एक बैलेंस सिचुएशन नज़र आ रही है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नर्चर्ड होंगी, जैसे कि ये किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस के तौर पर दोनों एक दूसरे को नर्चर करने की कोशिश करेंगे, प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर कोई पर्सन कंफ्यूज है या और वापस आना चाहता है तो आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग मतलब जनवरी की 2021 की, न्यू ईयर आपका जो शुरू है उसके पहले मंथ की। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक फॉर वॉचिंग।